हाय गाइस, दोस्तों क्या आप भी एक प्रोफेशनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की तलाश में हैं जो कि आपके डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सके, एक बढ़िया प्रेजेंटेशन बना सके, चाहे आपका कोई भी नीड हो। दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं और इस वीडियो में आपको हम वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, चाहे विंडोज हो चाहे मैक हो, उसके लिए हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि आपको सरप्राइज कर देगा। तो दोस्तों आपका नीड चाहे जो भी हो, चाहे आप सिंपल यूट्यूबर हो जिसमें आपका गेमिंग चैनल है, हाई डेफिनेशन वीडियोस, हाई FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड करके उसे अपलोड करना चाहते हैं, या फिर सिंपली आप ट्यूटोरियल्स बनाते हो, या फिर अगर आप एक टीचर हैं, या फिर आपको ऑफिस में अपने बॉस को प्रेजेंट करना हो कोई भी प्रेजेंटेशन बना के, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसका आप इस्तेमाल करके एक ऑसम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। या फिर आप वेब कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, उसे रिकॉर्ड करना है, उसका एक वीडियो बनाना है और आपको दिखाना है, तो वो चीज़ें भी आपको ये अलाउ करता है। इतना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर। हम आपको इसका पहले की हाइलाइट्स बता दें, फिर आपको प्रैक्टिकल डिटेल में डेमोन्स्ट्रेशन बताएंगे। देखिए की हाइलाइट्स इसके ये हैं कि एनोवेशन बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत बढ़िया से प्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एरो बना सकते हैं, कहीं भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिसको समझाना है, सर्कल कर सकते हैं, कुछ टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं किसी चीज़ों को, जूम इन जूम आउट, आप वीडियो बन जाए तो उसे कट कर सकते हैं, आप अलग अलग फॉर्मेट्स, जो भी फॉर्मेट्स होते हैं जो आपको चाहिए उस फॉर्मेट में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और तो और बहुत सारे कर्सर इफेक्ट्स हैं जिससे आप हाईलाइट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया जिसको दिखाना हो। और इसमें क्या है कि आप अपना लोगो वाटरमार्क जो है अपने मनपसंद ट्रांसपेरेंसी के साथ वहां सेट कर सकते हैं, बॉटम में या फिर जहां भी आप चाहें वहां सेट कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा खासियत यहां पे ये है कि आम जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें डेस्कटॉप रिकॉर्ड करते समय माइक्रोफोन के थ्रू केवल रिकॉर्डिंग होती है, जो आप बोल रहे हैं वो चीज़ें रिकॉर्ड होती है। लेकिन यहां पे मतलब बहुत सी अच्छी चीज़ें, खास बात यह है कि जैसे मान लीजिए आप माइक के थ्रू तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, लेकिन जो सिस्टम के सॉफ्टवेयर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो साउंड्स भी रिकॉर्ड करता है। साथ ही साथ मान लीजिए कोई वेब कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वहां से जो आपका क्लाइंट या फिर कोई भी आदमी बोल रहा है उसकी भी आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है ये सॉफ्टवेयर, और कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपको बनाता है। आप वीडियो तैयार होने के बाद उसी में कट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट का टूल है इसमें, जिससे कि आप ब्लर कर सकते हैं कई भी चीज़ों को, उसे भी आप एनोवेट कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार से आपको इस वीडियो का हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन का लिंक को फॉलो करेंगे तो आप आइसक्रीम ऐप्स के स्क्रीन रिकॉर्डर के ऑफिशियल वेब पेज पे आ जाएंगे, जहां से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं, परचेज करते हैं प्रो का वर्जन। फिलहाल मैं फ्री वाला डाउनलोड करके इंस्टॉल करता हूं अपने सिस्टम पे। बहुत आसान है इसे इंस्टॉल करना और यूज़ करना बहुत ईजी है। चलिए इंस्टॉलेशन हो गया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर को और आपको समझाते हैं इसका प्रैक्टिकल, कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सेटिंग्स भी है, लेकिन सब आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कैप्चर वीडियो ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। फुल स्क्रीन में क्या होता है कि आपका फुल स्क्रीन जो होता है, जो रेजोल्यूशन यहाँ दिख रहा है वो आपका स्क्रीन का हाईएस्ट रेजोल्यूशन रहता है। अगर बड़ा स्क्रीन रहेगा तो आपका और ज़्यादा होगा, और चाहे तो आप मैन्युअली कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हम आपको बेहतर क्लैरिटी के लिए बताएंगे कि बड़ा से बड़ा स्क्रीन लेकर रिकॉर्डिंग करें तो ज़्यादा बेहतर आउटपुट आएगा। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं जो आपको हम समझाएंगे कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है, आप F8 से स्टॉप कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर है, अगर मान लीजिए आप कितने समय तक रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो आप इस टूल का सहायता लेके कर सकते हैं। इससे एरिया आप देख ही रहे हैं, एरिया जो आप सेलेक्ट किए हैं। ड्रॉ टूल है, ड्रॉ टूल बहुत ही बढ़िया टूल है और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप ये सब चीज़ों को करने के लिए। जैसे मान लीजिए पेंसिल है और इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, और ये जो है लाइन, आप जितना डार्कनेस जो कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लीजिए इसमें से कलर, और जिस भी कलर पर आप क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा, और उस हिसाब से आप जो यहाँ पर लिखना चाहेंगे वो चीज़ें आप लिख पाएंगे पेंसिल की तरह बिल्कुल। अब हम इसे अंडू कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये एरो टूल है, मान लीजिए किसी चीज़ को आप इंडिकेट करना चाहते हैं, जो भी कलर से मान लीजिए हम इस कलर से इंडिकेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से सिंपली इस चीज़ को ले जाके यहाँ कर देंगे तो ये एरो बन जाएगा। कोई भी कलर से मान लीजिए इस कलर से, तो ये एरो बन जाएगा यहाँ पर। तो ये दर्शाने में काफ़ी अच्छा होता है। और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये टूल है जो कि हाईलाइट करता है, और इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को, आप मान लीजिए आपको दिखाना है तो ये हाईलाइट हो गया। अब मान लीजिए आप कोई भी कलर, पर्टिकुलर कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उसे येलो करना चाहते हैं, तो मैं इस एरिया को, क्योंकि ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है तो इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो ये हो गया। तो वीडियो के अंदर उसी तरीके से आपको
दिखेगा। इसके बाद आप कुछ लिखना चाहते हैं मान लीजिए, तो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए, साइज सेलेक्ट कर लीजिए और कलर सेलेक्ट कर लीजिए, उस हिसाब से आप उस कलर से आप लिख सकते हैं जैसे ओके। तो इस तरीके से आप कहीं भी कुछ भी समझाना हो तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एडेड एडवांटेज है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो है ये स्क्वायर रेक्टेंगल टूल है, जो आप मान लीजिए किसी इसी पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे आपको कुछ दिखाना है बताना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ इस चीज़ को, तो ये चीज़ें कर सकते हैं आप बीच में। तो ये एक बढ़िया समझाने का तरीका होता है। इसके अलावा सर्कल टूल है, सर्कल को भी वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर आपको यहाँ मिल जाता है ये लाइन टूल है इस टाइप का, और इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मर्जी, जो करना है जिस साइड भी करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा है 1 2 3 4। अब आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ मार्किंग करना है, कुछ बताना है कहीं पे, कुछ डायग्राम या फिर कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप पूरे स्क्रीन पर आप बता सकते हैं जितना भी ज़्यादा। इसके बाद इसको मान लीजिए कहीं उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो इस बटन को सेलेक्ट कीजिए और इसको उठाइए यहाँ से। आप उसे बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो कुल मिला के ये सारे जो हैं बहुत ही बढ़िया जो है आपका हेल्पफुल होते हैं समझाने में किसी चीज़ों को। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, देखिए ठीक है। तो ये भी एक अच्छा चीज़ दिया हुआ है। और यहाँ पे फिर बाकी बचा आपका वेबकैम। अगर आप वेबकैम को खोलना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, चाहे आप साइड में रखना चाहते हैं तो साइड में रख लीजिए, और जहाँ भी आपको यूज़ करना है वहाँ कर सकते हैं, जिससे आप ऑडियो को बढ़ा घटा सकते हैं। ये देखिए बढ़ रहा है घट रहा है, और इस तरह से माइक को आप बढ़ा घटा सकते हैं, इसका वॉल्यूम जो है वो आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बेसिक टूल्स हैं यहाँ के। अब हम इस को हम ऑफ़ कर देते हैं और अब आपको ये भी बंद करते हैं। यहाँ पे और चीज़ें आपको दी हुई जैसे कस्टम एरिया, मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर एरिया को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेम चीज़ है जो आपने वहाँ देखा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट एरिया जहाँ से छोड़ा है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया फीचर है एरिया ऑटो डिटेक्ट। मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि जो भी डिफ़ॉल्ट है उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ले, इससे क्या होता है कि आप जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए अभी ऑटोमेटिकली ये पूरा फुल स्क्रीन सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कोई एक छोटा विंडो खुलेगा यहाँ पे, तो वो वहाँ पे तक अपने आप वो आ जाएगा, आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है। अब आगे आपको बताते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें हैं। टास्क हैं, जो भी आप टास्क करेंगे जो सब लाइन से यहाँ पर आते जाएगा, रिकॉर्डिंग फुल रिकॉर्डिंग कहाँ भी करेंगे वो सब यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप माउस के साइज़ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि माउस के इतने नज़दीक रहें तो इतना रेजोल्यूशन का जो है रिकॉर्ड करते रहे ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद यहाँ गेम कैप्चर ऑप्शन दिया है, मान लीजिए आप गेमिंग करते हैं और गेम खेल रहे हैं तो उसमें ज़रूरत है काफ़ी क्लियरिटी की, तो सबसे पहले हाई क्वालिटी होना चाहिए, आप चाहें तो लो भी कर सकते हैं लेकिन हाई, आप चाहें तो यहाँ पे देखिए FPS फ्रेम पर सेकेंड्स है। तो आप अगर स्मूथ गेमिंग दिखाना चाहते हैं तो आपको 60 FPS पे खेलना होगा। तो ये बहुत ही कम रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स में होते हैं, इसलिए गेमिंग के लिए तो रिकमेंडेड है या बहुत बढ़िया है। इसके साथ फॉर्मेट्स हैं जो कोडेक्स जो हैं आप देख सकते हैं, AVI है, उसके बाद फिर MP4 है, जो आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे स्क्रीन शॉट ऑप्शन दिया हुआ है, आप इससे फुल स्क्रीन ले सकते हैं शॉट। ये देखिए बस यहाँ क्लिक करूँगा तो स्क्रीन शॉट आ जाएगा। मैं देखिए क्लिक करता हूँ, ये देखिए स्क्रीन शॉट यहाँ पर आ गया। अब इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूं। जैसे स्क्रीनशॉट में मैं गया और कस्टम एरिया, मान लीजिए आपको इसी पर्टिकुलर एरिया का ही स्क्रीनशॉट लेना है तो आप उस एरिया को अब सेलेक्ट कीजिए और आप स्क्रीनशॉट पर दबा दीजिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर कि इसमें आपको ड्रॉ टूल भी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपने वहाँ किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो ये कॉपी है, आप चाहें तो इस पर्टिकुलर एरिया को कॉपी कर सकते हैं, ये क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाता है और आप कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है URL, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा तो वो स्क्रीनशॉट जो है इस URL पे हमेशा आ जाएगा, आप कहीं भी जाके उस URL को कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैप्चर ऑडियो है जिसमें कि आप हाई बिटरेट, मीडियम बिटरेट और लो बिटरेट, हमेशा हाई रिकमेंड किया कीजिए अच्छे क्वालिटी के लिए। अब आपको हम समझाते हैं कुछ सेटिंग्स के अंदर कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। आप सेटिंग्स के अंदर देख सकते हैं
कि बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिसमें कि सबसे पहले इमेज फॉर्मेट स्क्रीनशॉट जो है वो किस फॉर्मेट में, जेपेग और फिर एमपीजी फॉर्मेट, कोई भी आप प्रेफर कर सकते हैं। लैंग्वेज इस रिकॉर्डर का अपने मनपसंद से चूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट विंडो जब स्टार्ट हो तो अगर क्लिक चेक कर देंगे तो प्रीलोड हो तब ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा अगर ये से क्लिक करूंगा तो। यहाँ पे चेक फॉर ऑटोमेटिक अपडेट, और अपने आप जो कोई अपडेट अगर कंपनी की तरफ से आता है तो वो आ जाएगा। अननोमस कोई यूजेस कर रहा है तो उसका यहाँ पे आप चेक करके उसे अलाउ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है अगर चेक रहेगा तो दिखाएगा। एरिया सेलेक्शन जूमर आप यहां से ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी कोई क्लोज बटन या फिर कुछ पॉपअप आता है तो उसे आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो इसे आप क्लिक कर सकते हैं। यहां पे वेबकैम है आपके, अगर स्क्रीन में लैपटॉप में मेरे पास एक है इसलिए एक दिखा रहा है। जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेविंग डेस्टिनेशन, कहाँ आप सेव करना चाहते हैं। मैंने डेस्कटॉप दे रखा है स्क्रीनशॉट को, वीडियो को, दोनों के लिए। मैक्सिमम फाइल साइज़ एक वीडियो का या फिर एक स्क्रीनशॉट का कितना हो सकता है वो आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। और डिस्क स्पेस कितना लेगा एक पाई एक वीडियो एक स्क्रीनशॉट, मैक्सिमम वहाँ से एलोकेट कर सकते हैं आप। वीडियो के बारे में बहुत से फॉर्मेट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे MP4, H.264, MP4, MPEG, ये सब जो है ऑप्शन हैं जो कि आज डिमांड में हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। माउस का मूवमेंट अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ चेक रहने दीजिए। माउस को एनिमेट करना चाहते हैं तो यहाँ चेक रहने दीजिए। हाईलाइट करना चाहते हैं येलो कलर से या किसी को तो आप इसे चेक कर दीजिए, वो अपने आप हाईलाइट होने लगेगा, वहाँ दिखाई देगा कि माउस कहाँ जा रहा है। स्क्रीन शेवर जो है उसे डिसेबल कर सकते हैं इसे चेक करके। और काउंट डाउन जो दिखा रहा है शुरू में 1, 2, 3, 4 करके, वो यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हॉट कीज़ को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यूज़ कर पाएंगे। और ये डेस्कटॉप के आइकॉन से उसे आप चाहें तो रिकॉर्डिंग के दौरान हाइड कर सकते हैं इसे सेलेक्ट करने के। यहाँ से आप वाटरमार्क इस्तेमाल कर पाएंगे चेक करने के बाद, जो भी लिखेंगे वो वाटरमार्क उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये हालांकि जो प्रो वर्सन है उसमें ही मिलता है, फ्री वाले में नहीं मिलता है। ऑडियो आप देख लीजिए, यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो को। और ये जो ऑडियो है ये सिस्टम का साउंड है या फिर कोई भी वीडियो चैट कर रहे हैं उनका साउंड जो कि सिस्टम के अंदर ऐप्स प्रोड्यूस करते हैं वो रिकॉर्ड है, होगा कि नहीं होगा वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है ये आप माइक से जो बोल रहे हैं एक्सटर्नल माइक्रोफोन या फिर लैपटॉप में जो माइक है उसका वॉल्यूम कितना होगा उसे आप यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे मिक्सर भी है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ से आप सेटिंग्स को घटा बढ़ा सकते हैं। माइक कौन सा इस्तेमाल करना है, ऑडियो डिवाइस कौन सा इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिर हॉट कीज़ जो हैं कि आपको एक क्लिक में क्या क्या बटन्स हैं उससे आप शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा और इसको सेविंग को आप सेव कर दीजिए। इसके बाद चलिए हम आपको रिकॉर्ड करके कुछ दिखाते हैं। हम फुल स्क्रीन में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं हमने फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है और रिकॉर्डिंग जो है चालू हो गया है। तो रिकॉर्डिंग क्योंकि ये कह रहा है कि अभी ये ट्रायल वर्सन है तो 5 मिनट और छोटा सा वाटर मार्क देगा, तो इसे हम ये कर देते हैं और अपलोड करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई मेरी और चलिए यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, हम चलते हैं। मान लीजिए कहीं पे और कुछ दिखाना है मुझे, मान लीजिए मुझे ये दिखाना है और इन चीज़ों को मुझे बताना है, दर्शाना है, या फिर तो मैं क्या करूँगा यहाँ से खोलूँगा वो चीज़ें और यहाँ से हम ड्रॉ का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए मुझे ये यूज़ करना है तो उस कलर में, तो जैसे ये मुझे दिखाना है कि ये जो फोल्डर्स हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो मैंने उसे सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर हम अगर कुछ एरो से दिखाना चाहते हैं तो एरो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें से इसमें जाएगा। वैसे ही आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइपिंग भी कर सकते हैं, ओके। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे नंबरिंग वाला, जो जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे मान लीजिए 3 है, तो ये उस हिसाब से आप कुछ भी इंटीग्रेशन वगैरह कर सकते हैं। कुछ जो कुछ आपको बताना है कि ये जो है इसके अंदर है, कुछ समझाना चाहते हैं इसके अंदर है, तो इस तरीके से ये आप समझा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अगर वीडियो आप कैमरा ऑन करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान तो आप उसे भी कर सकते हैं, साइड में रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे दी गई हैं। ये वीडियो जो है रिकॉर्ड हो चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ इसे प्ले करके। देखिए छोटा सा यहाँ पर आइसक्रीम का, क्योंकि ये फ्री वर्सन है यहाँ पर आइसक्रीम का लोगो आएगा, बाकी सब जो है वो ठीक ठाक है, ओके। तो गाइज कैसा लगा आपको ये आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर? आई होप कि आप इससे सेटिस्फाइड होंगे, आप इसे ट्राई करना चाहते होंगे। अभी ट्राई कीजिए, इसे क्लिक कीजिए, बिल्कुल फ्री है
और फ्री वर्जन में थोड़े बहुत लिमिटेशन है, वाटरमार्क थोड़ा सा नीचे में आता है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन आप इसे अगर परचेस करना चाहते हैं तो इसका प्रो वर्जन जो आप परचेस कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप चाहे तो हमारे अगर कूपन कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों देर मत कीजिए, जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कीजिए और इसे परचेस कीजिए। वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।